So, hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी दैट इज नफरा. तो नफरा इज़ अ टॉपिक कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर नफरा के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं. जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सर नफरा आने के बाद हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानना चाहते हैं कि नफरा आने के बाद हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. नफरा का जो इम्पैक्ट है वो देश की इकोनॉमी में क्या होने वाला है. नफरा का जो इम्पैक्ट है जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है. नफरा का जो इम्पैक्ट है वो प्रोफेशनल्स में क्या इम्पैक्ट होने वाला है. नफरा आना पॉजिटिव है हमारे लिए या नफरा आना हमारे लिए बुरी बात है. क्या नफरा आने के बाद जो आईसीआई के पावर्स हैं वो कर्टेल हो गए हैं. एंड अल्टीमेटली हमें अब इस न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट नफरा दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो कि हमारे देश के अंदर आ चुका है, जिसके प्रोविजन सब हमारे ऊपर नोटिफाई हो चुके हैं. एंड फॉर द स्टूडेंट्स मे 19 एग्जाम्स के लिए जो नफरा के प्रोविजन्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल भी रहने वाले हैं, राइट. सो अब सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि नफरा आने की वजह क्या है, वाई नफरा हैज कम. और दूसरी चीज़ हमें यह भी समझनी होगी कि भाई हमारा देश अकेला नहीं है जिसमें नफरा जैसा कोई अथॉरिटी आया है. आपको पता है देश के 50 से ज़्यादा देशों, वर्ल्ड के 50 से ज़्यादा देशों के अंदर, मोर देन 50 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, हर जगह क्या मैकेनिज्म हुआ करता था, हर जगह ऐसा मैकेनिज्म हुआ करता था कि उनकी अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी, जैसे कि वी हैव द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. मगर जैसे जैसे नए नए स्कैम्स आते गए, जैसे जैसे नए नए फ्रॉड्स का पता चलता गया, वैसे वैसे रियलाइज हुआ कि उस सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उस सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या करे, रेगुलेट करे. एंड सेम इज समथिंग विच इज हैपेंड इन आर कंट्री. हमारे देश में भी क्या हुआ, बहुत सालों से ICI वॉज द ओनली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा था, पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा था. मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई जो हम फाइनेंशियल ऑडिट्स करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ऑडिट्स के ऊपर देश की पूरी इकोनॉमी टिकी है. अगर आप याद करो CA Day, इफ़ यू रिमेंबर द CA Day, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में क्या बोला था कि भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का इलाज करते हैं, बल्कि जो हम चार्टर्स होते हैं हमें पूरी इकोनॉमी का इलाज करना है. वी आर द डॉक्टर्स ऑफ द इंटायर नेशन. हमारा एक गलत ऑडिट रिपोर्ट, हमारा एक नेग्लिजेंट ऑडिट रिपोर्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालता है. ऐसे बहुत सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो अपने अपने सेविंग्स जमा करके किसी कंपनी में पैसे लगा देते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिकॉज हमने उससे सर्टिफाई कर रखा है, वी चार्टर्स हैव गिवन एन एश्योरेंस दैट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, एंड लोग हम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं. मगर हमारी नेग्लिजेंस की वजह से या फिर हमारे मैनेजमेंट के साथ मिल जाने की वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और हमारी देश की इकोनॉमी नीचे गिर जाती है. एंड बुरा लगता है कहने पे, बट कहीं ना कहीं ICI हैज फेल्ड टू स्टॉप सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट. तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है कहीं ना कहीं वो फेल हुआ कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोक नहीं पाया. तो जो नफरा का प्रपोजल है वो तो 7 सालों से चल रहा था, बट सडनली ऐसा क्या हो गया कि नफरा को कंपल्सरीली लाना ही पड़ा, राइट. 7 साल से ज़्यादा नफरा को रोक के रखा गया था, नफरा को लाने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज ICI नहीं चाहता था कि नफरा कंस्टिट्यूट हो, बिकॉज उसके पर क्या होने वाले हैं, कटने वाले हैं. एंड दैट इज़ वाई अपने इंटरनल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए ICI क्या कर रहा था, नफरा को आने से रोक रहा था. मगर फाइनली ऐसा क्या हुआ कि नफरा को आना ही पड़ा, व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड इट, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम. और उस वीडियो देखने के बाद नफरा के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन आगे कंस्टिट्यूट करेंगे. तो एक वीडियो आप ध्यान से देखें. PNB महाघोटाले पर जी बिजनेस की मुहिम रंग ला रही है. कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने को मंजूरी दे दी है. इस अथॉरिटी के पास ऑडिटर्स को रेगुलेट करने का अधिकार होगा, दोषी ऑडिटर्स को सस्पेंड करने और जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा. जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर असर हुआ है. आखिरकार देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और ये कैसे हुआ कि हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट के बावजूद ये घोटाला 7 साल तक पनपता रहा. जी बिजनेस की खबर का एक बार फिर इम्पैक्ट हुआ है. 21 फरवरी को जी बिजनेस ने ही सबसे पहले खबर दिखाई थी कि ऑडिटर्स पर निगरानी रखने के लिए सरकार नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने जा रही है.
पीएनबी महाघोटाले में जी बिजनेस ने ही सबसे पहले ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। किस स्थिति में ये पॉसिबल है कि ऑडिटर्स की नजर में इस तरह का घोटाला ना आए, कैसे, क्या सिचुएशन हो सकती है कि ऑडिटर्स को, अगर मैं एक पल के लिए मान भी लेती हूँ कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इसे नहीं पकड़ पाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 साल तक ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते रहे और उसके बावजूद वो इस घोटाले के बारे में पता नहीं कर पाए? पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि किसी भी तरह से ये मामला दब नहीं सकता था। अगर कहीं भी रिकॉर्ड में छोटी मोटी एंट्री चढ़ी होती तो ऑडिटर जरूर पकड़ के ले जाता। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर तय होगी ऑडिटर्स की जवाबदेही। ऑडिटर्स घोटाले बाजू का नहीं होगा मेल। पीएनबी जैसे महा घोटालों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑडिटर्स को रेगुलेट और अनुशासित करेगी। 2 हफ्ते में NFRA का नोटिफिकेशन जारी होगा। ये जो अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA फॉर शॉर्ट, सो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि फाइनली नीरव मोदी जी का जो स्कैम है वही एक वजह बनता है द बिग पीएनबी स्कैम, जिसकी वजह से फाइनली हमें NFRA को लाना ही पड़ता है, राइट? द गवर्नमेंट फाइनली कंस्टिट्यूट्स NFRA। नाउ ऑल्दो आई एम नॉट ए बिग सपोर्टर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, बट स्टिल इस मामले में मैं मोदी गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैं NFRA को सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को इस पार्टिकुलर मुद्दे पर सपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ द अपब्रिंगिंग ऑफ NFRA। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, आप NFRA के साथ हो मतलब आप ICI के अगेंस्ट हो? ऐसा नहीं है। अगर मैं NFRA के साथ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ICI के मैं अगेंस्ट हूँ। ICI तुम्हारी मदर बॉडी है। मगर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझना होगा कि जब 7 साल से NFRA के आने की बात चल रही थी, तब इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो ICI को संभल जाना चाहिए था और ICI को बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था अपने मेंबर्स के क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए। बट ICI एक बार नहीं, बार बार उस चीज़ में फेल होता रहा, बार बार उस चीज़ में फेल होता रहा। एंड दैट इज़ वाई फाइनली उस स्टेप को तो लेना ही था कि जहाँ पे एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी आए और जो क्या करे, ICI को रेगुलेट करे। सो अब कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि ICI की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो गई है। आज भी ICI हमारा माई बाप है, आज भी ICI हमें रेगुलेट करता है, मगर ICI के पावर्स थोड़े से कल्टेल डाउन हो गए हैं। अगर हम फाइनेंशियल ऑडिट्स की बात करें तो अब फाइनेंशियल ऑडिट्स के दो पार्ट्स होंगे। क्या दो पार्ट्स होंगे? कि जो बड़े ऑडिट्स होंगे उनको रेगुलेट करने का पावर ICI से छीन लिया गया है। बड़े ऑडिट्स को रेगुलेट कौन करेगा? NFRA रेगुलेट करेगा। दैट इज द ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, द ऑडिट ऑफ बिग पब्लिक कंपनीज, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय NFRA। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जो स्मॉल कंपनीज होंगी, उनकी ऑडिट्स को आज भी ICI रेगुलेट करेगा। मैं कौन से स्मॉल कंपनीज की बात कर रहा हूँ? क्या मैं उन स्मॉल कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85? द आंसर इज नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्मॉल कंपनीज। यहाँ पे स्मॉल कंपनीज की परिभाषा क्या होने वाली है, दैट इज नॉट येट बीन क्लैरिफाइड, राइट? मगर कुल मिलाकर जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जो छोटी कंपनीज होंगी, उनको कौन रेगुलेट करेगा? उनको रेगुलेट करेगा ICI। और जो बड़ी कंपनीज के ऑडिट्स होंगे उनको कौन रेगुलेट करने वाला है? NFRA रेगुलेट करने वाला है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर अब दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होने वाली हैं। विद द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी ICI, दैट इज द इंस्टीट्यूट Chartered Accountants of India, and then there is going to be NFRA. ICI भी हमें regulate करेगा, NFRA भी हमें regulate करेगा। अगर आज की तारीख में अगर हम कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ICI तो हमारे खिलाफ एक्शन ले ही सकता है अंडर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। साथ ही साथ NFRA भी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, और NFRA को भी सुपर डुपर पावर्स दिए गए हैं इन दिस रिगार्ड। NFRA क्या कर सकता है? NFRA 10 साल तक हमें डिबेयर कर सकता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, और मोटी फीस हमारे ऊपर क्या कर सकता है? एज पेनल्टी लगा सकता है। दैट पावर द NFRA हैज गॉट नाउ। सो अब NFRA के आने का इम्पैक्ट क्या होने वाला है अलग अलग लोगों के ऊपर? सबसे पहले एज ए स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो भाई आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर NFRA का कोई इम्पैक्ट नहीं है। रैदर देन एक सिंपल सा चेंज है कि भाई एक नया प्रोविजन आपके एग्जाम में जुड़ गया है जिसके बारे में आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं कि भाई काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसका क्या हमारे प्रोफेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, कि हमारा फ्यूचर डार्क में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैदर व्हाट आई बिलीव इज दैट कि अगर NFRA के आने से हमारी क्वालिटी इन्हेंस होगी तो लोगों का भरोसा CA के प्रोफेशन में फिर से आएगा, एंड उससे हमें हमारे प्रोफेशन को बेनिफिट ही मिलने वाला है।
एंड अगर मैं चार्टर्स की बात करूं कि भाई नफरा का इम्पैक्ट सीएस में क्या आने वाला है, नफरा का इम्पैक्ट सीएस में ये आने वाला है कि भाई अब हमें अच्छे से काम करना होगा, अब हमारे ऑडिट क्वालिटी को हमें इन्हेंस करनी होगी, हमारी ऑडिट क्वालिटी को हमें इंक्रीज करनी होगी। कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ तो नफरा को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नफरा को लाने का ऑब्जेक्टिव है टू इन्हेंस दी ऑडिट क्वालिटी, ऑडिट क्वालिटी को इन्हेंस करना, ऑडिट क्वालिटी को इंक्रीज करना। तो एज ए चार्टर्ड हमें अपनी ऑडिट क्वालिटी को इंक्रीज करना होगा, वरना जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सीएडे में कहा था कि भाई इतने सालों में कुछ ही मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लिया आईसीआई ने, तो हो सकता है कि आईसीआई हमारे खिलाफ एक्शन ना ले बट नफरा हमारे खिलाफ डेफिनेटली एक्शन ले सकता है। सो दैट इज वाई वी नीड टू मेक श्योर कि आर क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंक्रीजेज, और अगर हमारा क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंक्रीज होगा अल्टीमेटली बेनिफिट हमें ही होगा, बिकॉज लोगों का भरोसा हमारे प्रोफेशन में फिर से जगेगा, हमारा सीए प्रोफेशन फिर से बड़ा बनेगा, एंड डेफिनेटली इट कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड कि हम लोग कमिटेड हो जाएं कि हमें क्या करनी है, अपनी ऑडिट की क्वालिटी इंक्रीज करनी है, एंड वही नफरा का ऑब्जेक्टिव है। बट यहाँ पे एक चीज़ और सामने रखना चाहूँगा कि डेफिनेटली नफरा के आने से ये बेनिफिट्स हैं कि उम्मीद की जा रही है ऑडिट की क्वालिटी बेहतर होगी, बट ये चीज़ें तभी हो पाएंगी अगर नफरा वाकई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करे। अगर नफरा अगेन पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस में चली जाए, अगर नफरा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पुतले की तरह काम करे, तो मे भी हमें उसका बेनिफिट शायद इतना ज़्यादा ना मिले। अगर नफरा एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करती है, अच्छे से काम करती है, तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, एक मैसेज गवर्नमेंट को भी देना चाहता हूँ कि भाई हम जो आईसीआई है, आईसीआई की गलती है, डेफिनेटली गलती है, हम चार्टर्स की भी गलती है कि हमने कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क में लैकिंग रखा जिसकी वजह से आप नफरा लेकर आए, मगर सारी गलती हमारी भी नहीं है। अगर आप सारी गलती हमारे ऊपर डाल दोगे तो वो तो हम बिल्कुल नहीं सुनने वाले। अगर मैं बात करूं इफ यू टॉक अबाउट द पीएनबी स्कैम, तो क्या ये आरबीआई का कोई रोल नहीं था, व्हाई इज द आरबीआई साइलेंट? तो आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करें, तभी जाकर कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं कि देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। तो वी सीएस वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क, वी हैव टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क, मगर साथ ही साथ आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं आपके अंदर, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो भी अपने एंड से अच्छा काम करें और हायर क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर करें, तभी जाकर हम क्या करने वाले हैं, देश की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। एंड नफरा का इंपैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, एंड इसी पॉजिटिव सोच के साथ इस वीडियो को यहां पे एंड करते हैं। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।